हेलो फ्रेंड्स, जीके ब्रेन मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हम रामायण से संबंधित अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न देखेंगे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो देखें क्वेश्चन नंबर वन। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस शैली में लिखा है? चौपाई और दोहा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस चौपाई और दोहा शैली में लिखा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टू। वाल्मीकि रामायण की रचना किस छंद में हुई है? अनुष्टुप। वाल्मीकि रामायण की रचना अनुष्टुप छंद में हुई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री। रामायण में राजा जनक के छोटे भाई का क्या नाम था? कुशध्वजा। रामायण में राजा जनक के छोटे भाई का नाम था कुशध्वजा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर। राजा जनक का वास्तविक नाम क्या है? शिरध्वज। राजा जनक का वास्तविक नाम शिरध्वज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर फाइव। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा? अवधी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर सिक्स। राम के भाई भरत का विवाह किसके साथ हुआ था? मांडवी। राम के भाई भरत का विवाह मांडवी के साथ हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर सेवन। माता सीता की छोटी बहन कौन थी? उर्मिला। माता सीता की छोटी बहन उर्मिला थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर एट। श्री राम ने किस वृक्ष की ओट लेकर वानर राज बाली को मारा था? साल वृक्ष। साल वृक्ष की ओट लेकर श्री राम ने वानर राज बाली को मारा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नाइन। अशोक वाटिका का दूसरा नाम क्या था? प्रमदा वन। अशोक वाटिका का दूसरा नाम था प्रमदा वन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर टेन। आठवें वसु का नाम क्या है? सावित्र। आठवें वसु का नाम सावित्र है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर इलेवन। इंद्र के प्रसिद्ध उद्यान का नाम क्या था? नंदन। इंद्र के प्रसिद्ध उद्यान का नाम नंदन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व। किस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी? दुर्वासा ऋषि ने। दुर्वासा ऋषि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर थर्टीन। कुब्जा किसका नाम था? मंथरा का। मंथरा का नाम कुब्जा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। पूर्व जन्म में रावण का क्या नाम था? प्रताप भानु। पूर्व जन्म में रावण का नाम प्रताप भानु था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। बाली और सुग्रीव किस वानर से उत्पन्न हुए थे? ऋक्षराज। बाली और सुग्रीव ऋक्षराज वानर से
उत्पन्न हुए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? रत्नाकर। महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम रत्नाकर था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17। मेघनाथ किस देवी की पूजा किया करता था? निकुंभिला। मेघनाथ निकुंभिला देवी की पूजा किया करता था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। श्री राम की सेना के दो अभियंता वानरों के नाम क्या थे? नल एवं नील। नल एवं नील श्री राम की सेना के दो अभियंता वानर थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी लंका से किस वैद्य को उठा लाए थे? सुसेन। लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी लंका से सुसेन वेद को उठा लाए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। समुद्र मंथन से कौन सी मणि उत्पन्न हुई थी? कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन से कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21। रावण किस वाद्य यंत्र को बजाया करता था? वीणा। रावण वीणा को बजाया करता था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22। भावार्थ रामायण किसने लिखी थी? एकनाथ। एकनाथ ने भावार्थ रामायण लिखी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23। लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता था? शेषनाग। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24। मारुत किस देवता का नाम है? वायु। मारुत वायु देवता का नाम है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25। हनुमान जी किस पर्वत को औषधि सहित उठाकर लाए थे? द्रोणगिरी। हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत को औषधि सहित उठाकर लाए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। व्यास नदी का रामायण काल में क्या नाम था? विपाशा। व्यास नदी का रामायण काल में विपाशा नाम था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। शत्रु द्वारा चलाए गए अस्त्र को निष्फल करने की विधि क्या है? रभस। शत्रु द्वारा चलाए गए अस्त्र को निष्फल करने की विधि रभस है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28। समुद्र मंथन में कौन सा अश्व निकला था? उच्चेश्रवा। समुद्र मंथन में उच्चेश्रवा अश्व निकला था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। समुद्र मंथन में किस पर्वत को मथानी बनाया गया था? मंदरांचल। समुद्र मंथन में मंदरांचल पर्वत को मथानी बनाया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30। रामायण कालीन लवपुर का वर्तमान में क्या नाम है? लाहौर। रामायण कालीन लवपुर का वर्तमान नाम लाहौर है। यहां पर हमारा वीडियो एंड होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।